हेलो व्यूअर, ऑनलाइन सुविधा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुंदन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है वह है बंसावली कैसे बनता है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि ज़मीन सर्वे का काम हो रहा है और उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमें बंसावली बनाना है, तो बंसावली कैसे बनता है इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी आज हम लेकर के आए हैं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग इसे जो है देख सकें और लाइक कर सकें और उन्हें जो है जानकारी इसके बारे में अच्छी तरह से मिल सके, क्योंकि इस चैनल पे सारी डिटेल्स आपको टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अपडेट आता है उसकी रिगार्डिंग जो है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो चलिए हम जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि बंसावली कैसे बनता है। घर बैठे आप जो है अपना बंसावली बना सकते हैं प्रमाण पत्र, और उसके जो बहुत सारे लाभ हैं वो आपको मिलते हैं, और उन लाभ किस प्रकार से मिलते हैं उसकी भी जानकारी जो है हम आपको बताने वाले हैं। और बंसावली प्रमाण पत्र जो है अब नए तरीके से बन रहा है, अभी ऑफलाइन बन रहा है, जैसे कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि ऑनलाइन बनाया जा रहा था, लेकिन उसी प्रक्रिया को ऑफलाइन किया गया ताकि उस प्रक्रिया में कुछ तेज़ी आए और लोग जो है अपने नज़दीकी अधिकारियों से मिल करके जो है इस प्रक्रिया को अंजाम दे सकें। और इसका जो है एक पेपर का कटिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अंचल के बजाय जो है पंचायत में 3 दिन लगेगा बंसावली का शिविर, और आपका बंसावली जो है अपने पंचायत में बनाया जाएगा ताकि आपको जो है अंचल ऑफिस नहीं जाना पड़े। उसके लेकर जो है पेपर कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वो 3 दिन कौन सा दिन होगा, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का दिन निर्धारित किया गया। इन 3 दिनों में जो है आपके पंचायत में शिविर लगा करके जो है बनाया जाएगा, जिसमें आपका राजस्व अधिकारी जो है आपके पंचायत में विजिट करेंगे और आपका जो है बंसावली तैयार किया जाएगा। पारिवारिक बंसावली बनाने हैं तो अंचल के बजाय पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, और बिहार के सभी जिलों में जो है वो मार्च 2024 से ही शिविर लगाया जाएगा। सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के दिन बंसावली शिविर लगाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। अंत में जिनके नाम से जमाबंदी है केवल वही जमीन को बेच सकते हैं और दान कर पाएंगे, लेकिन यदि जमाबंदी पूर्वज के नाम पर है तो वर्तमान नियम के अनुसार उसके उत्तराधिकारी उस भूमि या संपत्ति को ना ही बेच कर पाएंगे और ना ही दान कर पाएंगे। यानी कि जमाबंदी पूर्वज के नाम पर है तो आप उन्हें ना ही बेच सकते हैं ना ही दान कर सकते हैं जब तक कि आपके नाम पर बंसावली नहीं हो। तो बंसावली कितना इम्पोर्टेंट हो गया है ये आप देख सकते हैं, और बंसावली बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप भी बिल्कुल नई तरीके से बंसावली बनवाना चाहते हैं तो आप सभी डॉक्यूमेंट को पूरा करना होगा, जिसमें आवेदक का आधार कार्ड, पिता या पति का आधार कार्ड, आवेदक के दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि मृत्यु हो गई है तो जीवित होने पर उनका आधार कार्ड लगेगा, 5 गवाह का आधार कार्ड, ग्राम पंचायत मुखिया या वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, चौकीदार का हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर। इस तरह से 4-5 जो है जो रिक्वायरमेंट है, आवेदक का आधार कार्ड, पिता पति का आधार कार्ड, आवेदक के दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर जीवित है तो उनका आधार कार्ड, 5 गवाह का आधार कार्ड, और ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका या चौकीदार का हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता रहा हूँ कि बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने आपको बताया। अब आगे आप देखेंगे कि बंसावली बनाने के लिए आपको जो है अपने क्षेत्र के वार्ड सदस्य के पास जाना होगा और उनसे आपको बंसावली का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा, जो कि इस प्रकार का होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर से आदेश है DM के द्वारा कि वीडियो को, और वीडियो के द्वारा पंचायत के जितने भी मुखिया या वार्ड सदस्य हैं उनको यह आदेश दिया गया है कि इस बंसावली फॉर्म को जो है प्रोवाइड करवाया जाए। बंसावली प्रमाण पत्र हेतु जो आवेदन पत्र है वो उनके जो गाँव के किसान हैं जिनका भी भूमि है उन्हें जो है प्रोवाइड करवाया जाए ताकि इस जमीन को जो है वो LPC बनवा कर जो है उसको उत्तराधिकारी बन सके और इस ज़मीन को बेच सके या फिर दान कर सके। तो उसके बाद जो है आपको इस बंसावली आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरना होगा और सभी जानकारियों को जांच कर दर्ज करना होगा, और इसके बाद आपको अपने वार्ड सदस्य के पास या ब्लॉक में उस बंसावली फॉर्म को जमा करना होगा, जिसके बाद उसे सत्यापित कर देंगे, और अंत में आपको इस फॉर्म को अपने क्षेत्र के मुखिया से सत्यापित करवाना होगा, जिसके बाद आपको आपका बंसावली प्रदान कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस बंसावली फॉर्म को बनवाने का प्रक्रिया को किस तरह से आसान कर दिया गया है, और बहुत ही आसानी से आप बंसावली बनवा सकते हैं। उस बंसावली के बेसिस पर जो है आप उस ज़मीन को का एक उत्तराधिकारी या उसका मालिकाना हक आपको मिल जाता है, फिर उस ज़मीन को आप बेच सकते हैं या दान कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो मेन फॉर्म था वो मैंने आपको दिखाया अभी कि उस तरह से क्या फॉर्म है बंसावली बनाने का। इसका एक प्रपत्र 3-1 देख सकते हैं, अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार जो है
सेवा में सिविल प्रभारी, अंचल अधिकारी, जो भी जहाँ के आपका अंचल है, अपना डिस्ट्रिक्ट आपका जो है, इस तरह से आप भर करके जो है, सिंगल पेज का फॉर्म है और गवाहों का हस्ताक्षर है, इस तरह से आप भर करके, गवाह ने याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर है और अपने शिविर में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी, उन्हें जो आप सौंपेंगे, इस तरह से आपको जो है इस प्रक्रिया के तहत जो इसका बनाया जाएगा। मैंने इसका जो मूल मूल जानकारी था वो मैंने आपको उपलब्ध करवाया, और इसके अलावा जो कुछ जानकारी बच गया हो मैं आगे कोशिश करूंगा कि आगे की वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊं। तब तक अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि आपको जो है अपडेट्स मिलती रहे, और बेल बटन दबा दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हमारी आने वाली वीडियो का। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।